नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा पैरालिसिस के ऊपर, जिसको पक्षाघात बोलते हैं, या जिसमें शरीर का कोई हिस्सा या पूरा शरीर कंप्लीटली काम करना बंद कर देता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे जब व्यक्ति पीड़ित होता है तो उसको मेंटली इतनी प्रॉब्लम होती है, फिजिकली तो है ही, साथ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अब वो किसी दूसरे के सहारे हो चुका है। लेकिन हाँ, इसमें एक होप है, उस होप के ऊपर हम चर्चा करेंगे कैसे इस व्यक्ति को हम 90% तक कवर कर सकते हैं और कई केसों में तो 100% तक क्योर कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद में इसको किस तरीके से समझा जाता है। आयुर्वेद में बोला जाता है पक्षाघात। पक्षाघात को अगर दो वर्ड में हम डिवाइड करें तो पक्ष प्लस आघात, मीन्स बॉडी के किसी एक पार्ट पर या कंप्लीटली पार्ट पर या किसी एक हिस्से पर आघात हुआ है, एंड दैट मीन्स वहां ट्रॉमा हुआ है, कुछ ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से वो हिस्से ने काम करना बंद कर दिया है, या वहां का सेंसेशन लॉस हो गया है, मूवमेंट लॉस हो गई है। इसको हम सिंपल वे में इस प्रकार से समझ सकते हैं। मॉडर्न साइंस में इसको पैरालिसिस के नाम से जानते हैं, जिसमें कई वर्ड आते हैं, कंप्लीट पैरालिसिस, हेमिप्लेजिया मींस आधी बॉडी का पैरालिसिस हो जाना, या फेशियल पैरालिसिस, चेहरे का या जबड़े का पैरालिसिस हो जाना। अब ये आयुर्वेद इसको कहता क्या है? बहुत सारे रोगों में वात दोष से प्रधान ये व्याधि है, जिसमें आपने देखा होगा कि वातज व्याधियों में मोस्टली आपने सुना होगा कि वात दोष बढ़ने की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई, जैसे ज्वाइंट पेन, आर्थराइटिस हो गया, आपका आपका गाउट हो गया, आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। ये वात प्रधान व्याधियां हैं जो स्पेशली ज्वाइंट पेन से रिलेटेड होती है। यहाँ पे आपने सुना होगा कि वात की वृद्धि बहुत ज्यादा होने की वजह से रोग होता है, बट आयुर्वेद में पक्षाघात के लिए वर्ड आता है ये वातज व्याधि होने के साथ साथ यहाँ वात की कमी आती है। तो वात की कमी आती है कैसे, अभी हम इसको दो हिस्सों में जानेंगे कि वात की कमी आती है ऐसा क्यों बोला आचार्यों ने और ये कमी आती कैसे है, इस चीज को जानना आवश्यक है। देखिए कि वात की कमी आती है उससे हम समझते हैं कि वात दोष के लिए बोला गया वा गति गंध नहीं हो, मतलब इस ब्रह्मांड में या इस बॉडी के अंदर जहां भी मूवमेंट है, अभी अगर आप मेरे हाथों की मूवमेंट है, मेरे मुंह की मूवमेंट, मेरे होंठ की मूवमेंट आप देख रहे हैं, वो सारी मूवमेंट वात दोष के कारण हो रही है। अब जिस जगह पर मूवमेंट या सेंसेशन खत्म हो जाए तो आप क्या सोचेंगे, वहां पर वात दोष कम हो गया है या वहां पर वात दोष प्रॉपरली नहीं पहुंच रहा है, यही समझेंगे ना। अब इसको हम समझते हैं इन दैट सिंपल वे में कि वहां वात कम कैसे हो गया। देखिए आयुर्वेद में वात दोष को गति के लिए जाना जाता है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं बॉडी के अंदर स्रोतस होते हैं, छोटे छोटे चैनल्स होते हैं, जिसको आप चाहे तो नर्व सेल्स के समझ सकते हैं या ब्लड वेसल समझ सकते हैं, लेकिन यहां पर हम नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिजीज है तो नर्व से इसको लेकर के चलेंगे। जब पर्टिकुलर किसी एक जगह पर अवरोध आ जाता है, यानी नर्व ब्लॉक हो गई है या नर्व का वहां पर डैमेज हो गया है, तो जो ये मान लीजिए एक वायर है, एक तार है और यहां से करंट आ रहा है, तो करंट यहां तक पहुंचेगा अगर तार के बीच में कनेक्शन लूज नहीं हुआ है। अब ये कनेक्शन टूट जाए तो यहां से करंट तो आएगा बट यहां पर सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो ये वात का अवरोध बोला जाता है। वात के कमी में जो वजह है वो है स्रोतो अवरोध हो जाना या किसी एक धातु का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। किसी एक धातु की बढ़ने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो वहां पर हम आयुर्वेद दृष्टि से क्या करते हैं, हम आयुर्वेद दृष्टि से डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं ये समस्या हुई क्यों, ब्लॉकेजेस क्यों आए, उस ब्लॉकेजेस को ओपन करने के लिए हम पंचकर्म चिकित्सा का सहारा लेते हैं, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन का सहारा लेते हैं, जिसमें एकांग वीर रस हो गया, वात कुलांतक रस हो गया, वात गजानकुश रस हो गया, या बिस्तुंडुक बटी हो गई, जो वात दोष के साथ साथ और पूरी बॉडी की मूवमेंट पर काम करते हैं, मींस नर्वस सिस्टम पर बहुत अच्छा कार्य करते हैं। अब इसके साथ में जो जो सेल्स डेड हुई हैं, यहाँ पर ब्लड की सप्लाई रुक गई है, उनके लिए हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए कुछ पौष्टिक औषधियां आयुर्वेद की हम चलाते हैं, जिससे धातु पुष्टि होती है और धातु पुष्टि होने के बाद उस पेशेंट के अंदर जान आने लगती है। कुछ पंचकर्म के प्रोसीजर होते हैं जो कि पेशेंट को देखने के बाद समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर स्नेहन कर्म हम बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। स्नेहन कर्म से आप समझेंगे कि स्नेहन कर्म करने के बाद वात दोष में कमी आती है, वात वृद्धि रुकती है, तो ऐसा नहीं है। स्नेहन कर्म की वजह से वात बैलेंस होता है, ना कि कम होता है। वात को बैलेंस करने के लिए स्नेहन कर्म होता है, या तो वात की वृद्धि हो या वात की कमी हो, उसको बैलेंस करने के लिए स्नेहन कर्म किया जाता है। तो कुछ आयुर्वेदिक ऑयल होते हैं, जैसे महानारायण ऑयल हो गया, साथ में हम महामास तेल या विषगर्भ तेल का प्रयोग करवाते हैं, जिसमें कुचला होता है और ये अगेन फिर से नर्वस सिस्टम पर बहुत अच्छा कार्य करता है। अब मॉडर्न साइंस क्या कहती है पैरालिसिस होता क्यों है, प्रॉब्लम कुछ हुई हो जिसकी वजह से वहां पर नर्व डैमेज होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में ऐसा देखने को मिलता है,
कई प्रकार के स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर में इसको देखने को मिलता है। तो मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि इस प्रकार की उम्मीद ना तोड़ें और वात दोष से संबंधित उपचार के लिए आप किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन इसमें कुछ कॉन्स हैं। यदि आप जल्दी चले जाते हैं, आयुर्वेद कहता है कि 6 महीने या 1 साल से ऊपर यदि हो जाता है तो ऐसे रोगी के अंदर कंप्लीटली रिकवरी लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आप सही समय रहते हुए उसके पास जाएं। और ऐसे कई केस देखे हैं हमने कि काफी पुराने केस होने के बावजूद भी उनके अंदर रिकवरी देखी गई है। तो प्रयास करने में जाता क्या है। चलिए मैं डॉक्टर शरण शर्मा आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।